हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1। नाउ द क्वेश्चन इज इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व्ड मेक एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एंड व्हाई। तो हमें वो भी बताना है कि क्यों या कैसे आप कह सकते हैं कि ये एक एपी फॉर्म कर रहा है या नहीं। नाउ पार्ट 1 इज, पार्ट 1 में हमें एक कंडीशन एक सिचुएशन दी है। द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट किलोमीटर एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। तो हम एक एपी फॉर्म करनी है, तो इसकी जो फर्स्ट टर्म हुई A1, देखो फर्स्ट किलोमीटर के लिए हमें कितना कॉस्ट है, दैट इज ₹15। तो A1 हमारे पास या ए फर्स्ट टर्म आ गई ₹15। नाउ सेकेंड टर्म दैट इज A2, दैट इज इक्वल्स टू हमारा जो जर्नल फॉर्म है ये होता है A+D, और A हमारे पास क्या है फर्स्ट टर्म 15, और कॉमन डिफरेंस यानी हर बार कितना बढ़ रहा है किराया ₹8। सो 15 + 8 दैट इज 23। सिमिलरली A3 यानी ये होता है A+2D, तो ये हमारे पास कितना आ गया, या कह दो A2+D। अब A2 कितना है 23, और इसमें कॉमन डिफरेंस 8 ऐड कर देंगे, सो दैट इज इक्वल टू 31। तो इसमें हमने क्या देखा कि हर केस में एक फिक्स नंबर 8 ऐड हो रहा है। सो द कॉमन डिफरेंस यानी कि अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस निकालते हैं तो ये क्या आता है, अगर हमने A3 - A2 किया 31 - 23 दैट इज 8, या हमने A2 - A1 किया दैट इज 23 - 15 विच इज ऑल्सो 8। तो ये कॉमन डिफरेंस हर केस में सेम है, तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर दिस गिवन सिचुएशन इट फॉर्म्स व्हाट, गिवन सिचुएशन फॉर्म एन अर्थमैटिक प्रोग्रेशन दैट इज AP। तो इसी को और क्लियरली समझने के लिए लेट अस टेक पार्ट 2 नाउ। अब सेकेंड पार्ट में हमें एक और कंडीशन दी गई है। अब क्या कंडीशन दी गई है, इसमें हमें कहा गया है कि द अमाउंट ऑफ एयर प्रेजेंट इन अ सिलेंडर व्हेन अ वैक्यूम पंप रिमूव्स 1/4 ऑफ द एयर रिमेनिंग इन द सिलेंडर एट अ टाइम। तो हमें नहीं पता कि व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, तो हमने ले लेते हैं लेट द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर और द वॉल्यूम ऑफ द एयर इन द सिलेंडर इज X³ यूनिट। ओके, एक्स क्यूबिक यूनिट में हमने ले लिया कि कोई भी एक्स यूनिट में इसमें इतनी वॉल्यूम है जो हमें गिवन नहीं है। अब हर बार क्या हो रहा है कि 1/4 जितनी उसमें है टोटल एयर उसकी रिमूव हो जाती है। सो व्हाट इज द फर्स्ट टर्म ऑफ दिस ए, दिस वन गिवन सिचुएशन इज एक्स, या A1x आ गया, तो A2 क्या होगा X - 1/4x। एलसीएम लेंगे और सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 - 1 दैट इज 3/4x। नेक्स्ट कंडीशन में अब हमारे पास उसमें सिलेंडर में कितनी एयर है 3/4x। सो व्हाट इज A3, A3 कितना हुआ, जितनी वॉल्यूम है उसमें से 1/4 माइनस करना है। सो 1/4 ऑफ 3/4x यानी ये क्या हुआ 3/4 - 3/16x। और अगर हमने एलसीएम लिया और इसे कैलकुलेट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, सो एलसीएम इज 16, 4 3s are 12, 12 - 3 दैट इज 9/16x। 9/16 यानी इसका क्या हो गया, ये 3/4 का स्क्वायर हो गया। सिमिलरली नेक्स्ट में क्यूब आ जाएगा, तो हमें क्या मिल रहा है, तो अगर हम इसे लिखें तो यहां पर A2 - A1, वॉट इज A2 - A1 दैट इज 3/4 - x। सो एलसीएम लेंगे 4 आया, सो इट बिकम -1/4x। एंड वॉट इज A3 - A2 विच इज इक्वल्स टू, A3 हमारे पास आया 9/16x माइनस A2 इज 3/4x, और दोनों को सब्ट्रैक्ट करने पर हमें मिलता है -3/16x।
अब इस केस में द कॉमन डिफरेंस दैट इज -1/4x और यहाँ पे -3/16x आ रहा है, दिस इज नॉट सेम। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, देयरफॉर दिस गिवन सिचुएशन इट्स डू नॉट फॉर्म, देयरफॉर इट्स डू नॉट फॉर्म एन एपी। तो इस सिचुएशन में ये एपी नहीं फॉर्म कर रही है। ओके, नाउ पार्ट थ्री ऑफ द सेम क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर वन का हम पार्ट थ्री देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया हुआ, ये कहते कि द कॉस्ट ऑफ डिगिंग अ वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट मीटर, कि फर्स्ट मीटर के लिए, सो द फर्स्ट टर्म A1 इज ₹150, यानी कि पहले 1 मीटर आपने अगर डिग किया तो उसके आपको मिलेंगे ₹150। एंड रेजेस बाय ₹50 फॉर ईच सब्सिक्वेंट मीटर, और हर मीटर आगे आगे आप जैसे जैसे खुदाई करोगे इट इज रेजेस बाय ₹50। तो A2 क्या हो गया, 150 + 50, यानी अगर आपने 2 मीटर तक डिग किया तो आपको कितने रुपीज मिलेंगे, दैट इज 200। और अगर 3 मीटर तक किया तो क्या होगा, A2 में ₹50 और जोड़ दो, सो इट बिकम 250 लाइक दैट। सो लेट अस चेक, यहाँ पर हमारा जो कॉमन डिफरेंस आ रहा है यानी A3 - A2 ये कितना है, 250 - 200 दैट इज ₹50। सिमिलरली A2 - A1 ये कितना है, दैट इज 200 - 150 विच इज ₹50। नाउ द कॉमन डिफरेंस इज सेम, तो यहाँ पर जब भी एपी में हमें मालूम है कि द कॉमन डिफरेंस शुड बी सेम, ये सेम होगा तो ये एक एपी फॉर्म करेगा, तो हम क्या लिखेंगे, देयरफॉर दिस सिचुएशन और इट फॉर्म एन एपी, दिस सिचुएशन फॉर्म्स अर्थमैटिक प्रोग्रेशन। नाउ द पार्ट फोर, फोर्थ पार्ट में हमें दिया है द अमाउंट ऑफ मनी इन द अकाउंट एवरी ईयर, कुछ अमाउंट है आपने आपने जमा किया, व्हेन ₹10,000 इज डिपॉजिटेड, इट मींस द प्रिंसिपल इज ₹10,000, ये आपने अमाउंट जमा किया है एट द रेट कंपाउंड इंटरेस्ट एट द रेट 8% पर एन, एंड द रेट इज 8% कंपाउंडेड एनुअली। तो हमें मालूम है सो अमाउंट इज इक्वल्स टू पी इंटू 1 + R/100 होल एन। तो फर्स्ट टर्म हमारी क्या होगी, दैट इज पी इज 10,000 इंटू 1 + 8/100 होल वन। सिमिलरली आफ्टर 2 ईयर्स हमारा अमाउंट क्या हो जाएगा, दैट बिकम 10,000 इंटू 1 + 8/100 होल टू। फॉर द थर्ड ईयर इट बिकम 10,000 इंटू 1 + 8/100 होल क्यूब। सो ये जो है ये पावर में इंक्रीज हो रहा है, और अगर हम इनका कॉमन डिफरेंस निकाले, दैट इज इफ वी फाइंड A3 - A2 एंड A2 - A1, दिस डिफरेंस दैट इज नॉट सेम, देयरफॉर द गिवन सिचुएशन हियर, देयरफॉर दिस सिचुएशन और इट डू नॉट फॉर्म एन एपी, द गिवन सिचुएशन एपी नहीं फॉर्म कर रही है और ये सिचुएशन एपी फॉर्म कर रही है। थैंक यू।